चले जी, इस सवाल को भी खत्म करें। क्वेश्चन नंबर 45, और इसमें अगेन आपको क्या क्या चीजें चाहिए, नोट्स चाहिए आपके पास, कैलकुलेटर होना चाहिए, ब्ला ब्ला। ठीक है जी, सो ये रेसिपी तैयार करेंगे। सो ये बीच में एक कैरेक्टर आएगा, इसको इग्नोर कर दें अगर आपको डाइवर्ट कर रहा हो। अच्छा जी, सो फारूक साहब हैं ये, और इनके पास ए टाइप ऑफ पर्सन आइडेंटिफाई कर लें, सो इट्स एन इंडिविजुअल, राइट। सो ये जो फारूक साहब हैं, इसके लिए कैलकुलेट आपने क्या करना है, सो यू जस्ट हैव टू कैलकुलेट द टैक्सेबल इनकम। ओके, सो इन्होंने क्या किया, उधार लिए पैसे कहाँ से, 80 लाख रुपए उधार लिए कहाँ से, स्टार बैंक लिमिटेड से, और उन पैसों से क्या किया इसने, एक्वायर्ड अ प्लॉट ऑफ लैंड इन हब इंडस्ट्रियल जोन फॉर ₹65 लाख। तो ₹65 लाख से इसने प्लॉट ऑफ लैंड जो है वो खरीद लिया, और ही इन्वेस्टेड रेस्ट ऑफ द लोन इन अ बिजनेस वेंचर विद हिज फ्रेंड, और इसके एक दोस्त भी थे बड़े कारोबारी आदमी, सो उनके साथ इन्होंने क्या किया, बाकी पैसे 80 लाख में से जो बच रहे थे वो कारोबार में लगा दिए। ठीक है जी, उसके बाद क्या हुआ, अबव लोन कैरीज मार्कअप एट 12% पर एनम एंड इज रीपेबल इन 8 इक्वल इंस्टॉलमेंट, और पहली इंस्टॉलमेंट कब से शुरू हो रही है, 1 जुलाई 2024, सो मेरे टैक्स ईयर के बाद शुरू हो रही है, तो इसका मतलब लोन तो पूरा आउटस्टैंडिंग रहेगा। कब से आउटस्टैंडिंग है, 1 जुलाई से। अच्छा जी, अगस्त 23 में क्या किया इन्होंने, फरूख ने कहा कि जी मैं इस प्लॉट को बेच देता हूँ, और ये किसको बेचेगा, जुल्फकार मोटे, जुल्फकार साहब आए हैं खरीदने के लिए, और कितने का, 10 मिलियन का, और रिसीव किया इसने डिपॉजिट कितना, 5 लाख फ्रॉम हिम। और 15 अगस्त को क्या हुआ कि ये जो डिपॉजिट लिया था 5 लाख रुपए, जुल्फकार साहब दौड़ गए, उन्होंने कहा जी कि मैं तो कोई नहीं खरीद रहा ये, तो वो 5 लाख रुपए फिर क्या हुए, फोरफिट हो गए। अगर फोरफिट ही डिपॉजिट है तो इसका मतलब हमारी रेंट की इनकम में शामिल होगा, तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हम बना लेते हैं सबसे पहले, और इसमें अभी एक एक ही प्रॉपर्टी का जिक्र है, दैट इज लैंड। दो फिगर्स हमने कैलकुलेट करनी होगी, रेंट चार्जेबल टैक्स और अलाउेबल एक्सपेंसेस। रेंट चार्जेबल टू टैक्स में तीन फिगर्स शामिल होती हैं, रेंट ऑन अक्रूअल बेसिस, फोरफिट डिपॉजिट और अनएडजस्टेबल एडवांस। अच्छा जी, अब ये जो फोरफिटेड डिपॉजिट हो गया, उसके बाद क्या हुआ, ऑन 1 सितंबर 2023 फरुख लेट आउट द प्लॉट ऑफ लैंड टू हिज फ्रेंड आतिफ एट अ मंथली रेंट ऑफ 1.5 लाख रुपए। सो अपने दोस्त को किराए पे दे दिया, ये प्लॉट ऑफ लैंड की बात हो रही है, अब बिल्डिंग की बात नहीं हो रही, सो ये उसने रेंट पे दे दिया, और एक प्रोफेशनल वैल्यूअर से उसने जब वैल्यू करवाई तो पता चला कि इस प्लॉट की जो रेंटल वैल्यू है वो कितनी है, 21,60,000 रुपये, लेकिन ये एनुअल रेंटल वैल्यू है साल की। ठीक है, तो अब हमने क्या चीज इंपॉर्टेंट पढ़ी हुई है जी, हमने पढ़ा हुआ ये है कि आपने कंपेयर करना होता है फेयर मार्केट रेंट और जो एक्चुअल रेंट है, और जो हायर होगा वो आपकी प्रॉपर्टी इनकम बनती है। ठीक है जी, तो अब हम क्या काम करते हैं जी, पहला काम ये करते हैं, हम कंपेरिजन बनाते हैं, 21,60,000 को डिवाइड बाय 12 करें, इसका मतलब महाना रेंट बना 1,80,000, और जो एक्चुअली अपने दोस्त को उसने रेंट पे दिया है वो 1,50,000 है, तो डेफिनेटली जो ज्यादा वैल्यू है उसी से आप कैलकुलेशन बनाएंगे। 10 महीने क्योंकि आपने सितंबर से ऑनवर्ड दिया है, तो 1 सितंबर से, इसका मतलब जुलाई अगस्त में रेंट पे नहीं था, 10 महीने का रेंट जो है वो 18 लाख रुपए बनता है। सो ये प्लॉट ऑफ रेंट से, लैंड से जो आपको रेंटल इनकम आ गई, उसके अलावा फोरफिटेड डिपॉजिट था 5 लाख रुपए का, ये भी तो बनेगा आपकी प्रॉपर्टी इनकम। सो फोरफिटेड डिपॉजिट जो है ऑन कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ लैंड और बिल्डिंग, लैंड और बिल्डिंग दोनों के केस में होता है, सो वो 5 लाख रुपए भी आपकी प्रॉपर्टी इनकम है। ही रिसीव्ड एन अनएडजस्टेबल डिपॉजिट ऑफ 2 लाख फ्रॉम आतिफ एंड पेड ₹80,000, आगे एक्सपेंसिस का जिक्र है। सो ये जो अनएडजस्टेबल डिपॉजिट है 2 लाख, इसको क्या करते हैं हम, क्या बंद बैठे, हाँ ये वो चीज है जो मैं कह रहा था ना कि मैं दीवार में टकरे मारता रहूंगा और आप ये करते रहेंगे। सो ये सिर्फ हमने कब करना होता है, बिल्डिंग के केस में। ठीक है, तो बिल्डिंग के केस में करना होता है, लैंड के केस में नहीं करना होता, तो मारूं फिर टक्कर दोबारा एक और। तो ये आखिरी दिन तक ऐसे ही होगा, बस पेपर में ना करना, आपकी ये मेहरबानी है, उस वक्त याद रख लेना। तो अनएडजस्टेबल एडवांस को लैंड के केस में कुछ नहीं करना है। ठीक है, 1/10 वाला सारा मामला किधर है, बिल्डिंग के केस में। अच्छा जी, तो ये आपने रेंट चार्जेबल टू टैक्स बना दिया, अब एक्सपेंसिस की बारी आएगी। एक्सपेंसिस में आप सबसे पहले क्या सोचेंगे, रिपेयर अलाउंस, हाँ वो भी, उसके लिए भी मैं दीवार में एक टक्कर तैयार की हुई है मैंने, क्योंकि वो भी किस केस में होता है, बिल्डिंग के केस में, राइट। सो यहाँ पे अब एक्सपेंसेस जरा पढ़े क्या लिखे हैं, पेड 80,000 रुपए फॉर लेवलिंग द ग्राउंड,
इसका मतलब ये एक रिपेयर का एक्सपेंस है जो जमीन की आप रिपेयर कर रहे हैं। अब रिपेयर का मामला इस तरह से है कि बिल्डिंग के केस में टैक्स लॉ ने कह दिया कि जी आप रिपेयर अलाउंस माइनस कर लें। अब ये बिल्डिंग तो है नहीं और इसके अलावा कोई रिपेयर एक्सपेंस अलाउ किया हुआ नहीं है, तो इसका मतलब ये जो ग्राउंड लेवलिंग का जो एक्सपेंस आपने किया है, ये लैंड के केस में कोई इस तरह का एक्सपेंस आपको अलाउड नहीं होगा, क्योंकि रिपेयर का एक्सपेंस एक ही अलाउड है एंड दैट इज रिपेयर अलाउंस, और वो सिर्फ बिल्डिंग के केस में है। तो एक्चुअली टैक्स लॉ बेसिकली इसमें इसके पीछे बकायदा एक अंडरस्टैंडिंग होती है ऑफ द ट्रांजेक्शन कि यार लैंड को रिपेयर की कौन सी जरूरत है। तो एवं आप एक्सपेंस बनाना आपके लिए बहुत ईजी होगा टैक्स पे, वो तो सारे का सारा जो रेंट है वो कहेगा जी मैंने तो रिपेयर पे ही लगा दिया। जब आप रिपेयर देख रहे हैं कहते हैं देखो लैंड ठीक तो है, हमने रिपेयर कराई है सारी लैंड, ठीक है, तो इसलिए हमारी इनकम जीरो है। तो आपकी इस चालाकी से बचने के लिए लैंड के लिए कोई भी रिपेयर एक्सपेंस अलाउड नहीं है। उसके बाद और कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं, 50,000 रुपये ग्राउंड रेंट, ये तो बिल्कुल अलाउड होता है एज एक्सपेंस, और 12,000 इंश्योरेंस प्रीमियम अगेंस्ट रिस्क ऑफ डैमेज और डिस्ट्रक्शन फॉर वाटर लॉगिंग। सो आपने इस इंश्योरेंस कराई है, ये इंश्योरेंस एक्सपेंस भी अलाउड होगा। सो ये 50,000 और 12,000 रुपये आपको एक्सपेंस अलाउड होगा। 1,40,000 आपने पे किए रेंट कलेक्शन चार्जेस के, और 25,000 आपने पे किए प्रोफेशनल वैल्यूअर को दिए थे आपने, जिसने ये वैल्यू बनाकर दी थी 21,60,000 रुपये। सो ये एक्सपेंसेस सारे के सारे जो है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में फॉल करते हैं, कलेक्शन चार्जेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, और इसमें अगेन वही आपके ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन है वो ये है कि आपने इस एक्सपेंस को 4% ऑफ रेंट चार्जेबल टू टैक्स से ज्यादा नहीं माइनस करना है, ठीक है जी। सो आप यहाँ पे जो कलेक्शन चार्जेस हैं वो आप मेंशन करें 1,40,000, और दूसरा प्रोफेशनल वैल्यूअर को जो आपने पैसे दिए 25,000 वो आप मेंशन करें, लेकिन इसके ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन होगी, पूरे का पूरा 1,65,000 आप माइनस नहीं कर सकते, बल्कि आप इसको कंपेयर करेंगे 4% ऑफ रेंट चार्जेबल टू टैक्स, ये जो बनाया था ना आपने 23 लाख रुपए, उसका 4% बनाए और रेंट चार्जेबल टू टैक्स आप कैलकुलेट करेंगे और ये यहाँ पे आप माइनस करेंगे। अच्छा जी, एक एक्सपेंस और रह गया है, क्योंकि आपने लोन लेकर ये प्लॉट खरीदा था तो जाहिर सी बात है उसके ऊपर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो वो मार्कअप भी आपको अलाउड होगा। लेकिन अब यहाँ पे ये चीज याद रखनी कि लोन पूरा साल आउटस्टैंडिंग है लेकिन प्लॉट पूरा साल रेंट पे नहीं है, तो जितना अर्सा वो रेंट पे रहेगा प्लॉट उतने अर्से का ही आप मार्कअप जो है वो एक्सपेंस बना सकते हैं। प्लॉट की वैल्यू 65 लाख रुपए है, पूरा 80 लाख रुपया वो आपने प्लॉट खरीदने पर खर्च नहीं किया था, ठीक है। तो 65 लाख रुपए का 12% से मार्कअप और 10 महीने का मार्कअप जो है वो आप एक्सपेंस बना सकते हैं, 10/12 जरूर करना है इसको, एंड दिस विल बी द अमाउंट टोटल एक्सपेंसेस जो आप यहाँ पे माइनस करेंगे 23 लाख में से। सो ये एक्सपेंस माइनस करने के बाद आपका जो इनकम बना, दिस इज योर प्रॉपर्टी इनकम। अच्छा, इसमें एक बिजनेस का भी तो जिक्र आया था कि उसने कारोबार भी शुरू किया, कारोबार की आपको डिटेल दी भी नहीं है उसने कि क्या कारोबार, उसकी इनकम कितनी, तो इसलिए हम उस हेड ऑफ इनकम में कुछ भी मेंशन नहीं कर सकते। और इसी तरह जो पैसा उसने कारोबार में लगाया, मार्कअप उसके ऊपर जो है वो एक्सपेंस बनना था, लेकिन वो बिजनेस के हेड ऑफ इनकम में बनेगा ना, तो बिजनेस की कोई डिटेल चूंकि नहीं दी हुई इसलिए वो मार्कअप जो है उसका कुछ भी नहीं होगा। सो 14,96,000 रुपये ये प्रॉपर्टी इनकम आ गया, उसके बाद टैक्सेबल इनकम भी यही बन जाएगा, दिस इज द मैजिक नंबर जो आपको चाहिए है। और इसके ऊपर अब आप क्या करेंगे, रेट ऑफ टैक्स फाइंड आउट कर लेंगे। अच्छा नहीं, टैक्स की तो कैलकुलेशन मांगी ही नहीं आपसे, तो कंप्लीट हो गया जी हमारा काम, टैक्स की कैलकुलेशन नहीं मांगी, सिर्फ इनकम टैक्स में इनकम मांग रहे हैं आपसे। वो उसने वो पहना है ना जो चोगा जो पहनते हैं सूफिया कराम। अच्छा जी, कुछ सवाल यहाँ तक, एनी क्वेश्चन? चले, अगर वो टांगे होती तो ज्यादा समझ आता आपको, मैं ऐसा करेक्टर एड। हाँ